मुस्लिम छात्र छात्राओं के बुर्का टोपी पहनकर आने का विरोध करते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग। छात्रों ने आज चीफ प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन। 72 घंटों का दिया अल्टीमेटम। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने आज चीफ प्रॉक्टर को ज्ञापन देकर कैंपस में मुस्लिम छात्र छात्राओं के बुर्का टोपी पहनकर आने का विरोध करते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। छात्र नेताओं का कहना है कि अगर ऐसे छात्रों पर 72 घंटे में प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो हम हिंदू छात्र इसके जवाब में कॉलेज कैंपस भगवा ड्रेस पहनकर आएंगे। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि यह शिक्षा का मंदिर है, ना कि मस्जिद या मदरसा। अगर बुर्का और टोपी पर बैन नहीं लगाया गया तो हिंदू छात्र भी अपने ड्रेस कोड को छोड़कर भगवा वस्त्र पहनकर आने के लिए मजबूर होंगे। इसमें यह है इनका कि साहब जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं वो बुर्का एवं मुस्लिम टोपी पहन के आ रहे हैं और इस पे प्रतिबंध लगाया जाए, ये इन्होंने अभी आज दिया है हमें। तो इसमें जो भी कॉलेज के नियम अनुसार, जो भी कॉलेज के नियम हैं उनके अनुसार हम प्रिंसिपल से, ड्रेस कोड हमारा है। और अभी जैसे दो चार बच्चे आते थे तो उनसे पूछा जाए तो वो, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है तो उस हिसाब से भी हम ज़्यादा नहीं रोक पा रहे थे। वैसे हमेशा रहा है ये इस तरीके का कि हमारा अपना ड्रेस कोड है और उसी के अनुसार बच्चे आते भी हैं और ड्रेस कोड को पूरी तरीके से लागू कराया जाएगा। महाविद्यालय के अंदर जो अलगाववाद की मानसिकता को प्रेरित कर, जो उन्हें पारंगत कर मदरसों के द्वारा यहाँ धर्मसमाज महाविद्यालय में भेजा जाता है ताकि वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, ऐसे लोगों पर जो उनका ड्रेस कोड है, जो सर पर टोपी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और जो बुर्के में जो छात्राएं आती हैं उन पर शीघ्र, अति शीघ्र और तत्काल रोक लगे। धर्मसमाज महाविद्यालय ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई मदरसा नहीं है, ये कोई मौलाना की दरगाह नहीं है या कोई पीर की मजार नहीं है जो यहाँ इस प्रकार से आया जाए। हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, या तो 72 घंटे के अंदर धर्मसमाज महाविद्यालय के बाहर हमारा कॉलेज प्रशासन एक नोटिस चस्पा कर दे जिसमें स्पष्ट लिख दिया जाए कि धर्मसमाज महाविद्यालय के अंदर जो भी छात्र छात्रा आएगा वो नियमित वेशभूषा में आएगा, अन्यथा की स्थिति में। हमारी नियमित वेशभूषा है, ये लॉ का तो वो सार्वभौमिक है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और बाकी छात्रों के लिए ग्रे पैंट है, व्हाइट शर्ट है और हमारे छात्राओं के लिए गुलाबी जो कुर्ती है और नीचे व्हाइट है। नहीं, पूर्णतः उल्लंघन है, ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ पे आप आए नियमित वेशभूषा में आए, जो महाविद्यालय की वेशभूषा है, और ये धर्मसमाज महाविद्यालय को मदरसा ना बनाए। यहाँ अलवाद 72 घंटे का अल्टीमेटम है, या तो मान लिया जाए अन्यथा की स्थिति में। इसके बाद समस्त हिंदू छात्र छात्राएं, छात्राएं हमारी बहनें भगवा साफा ओढ़ के आएंगी और हमारे जो छात्र भाई हैं वो भगवा गमछा डाल के आएंगे और बड़ा बड़ा तिलक लगा के एकदम बिल्कुल जो हमारी धार्मिक वेशभूषा है उस वेशभूषा में हम यहाँ धर्मसमाज महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे। खबर जगत 24 न्यूज, अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।